तो दलित वोट जो है 2.5 लाख से ऊपर है रामपुर शहर के अंदर, और हम ये समझते हैं कि जब तक दलित और मुस्लिम एक साथ नहीं आएगा हम भाजपा को नहीं हरा सकते। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, लगातार लोगों के बीच बात चल रही है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का रुझान किस तरफ है, किन मुद्दों के साथ जनता वोट करने वाली है। ऐसे में जब खास करके जिनका दबदबा इस रामपुर लोकसभा पर रहता था, जिसमें आजम खान, जिसमें नवाब परिवार, उनके कोई भी कैंडिडेट नहीं है, तो ऐसे में ये देखना है कि इंडिया गठबंधन किस जगह पर है, बीएसपी के कैंडिडेट जिशान खान किस जगह पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट किस जगह, किन मुद्दों पर जनता जो है वोट करना चाहती है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद सलीम अंसारी। क्या लगता है, क्या माहौल है रामपुर का, और किन मुद्दों के साथ आप किस कैंडिडेट को बेहतर देख रहे हैं? देखिए, हम आम लोग हैं और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से रामपुर जो है, रामपुर में कोई सियासी रहनुमा नहीं रहा है अभी, और यहाँ अगर कोई सियासी रहनुमा थे तो वो आजम खां थे और हैं और रहेंगे। अच्छा। और अभी उनका जो हाल है वो जेल में है, आप लोग बेहतर जानते हैं हमसे, ठीक है। तो हम समाजवादी को नहीं जानते थे लेकिन आजम खां को जानते थे, और आजम खां अभी जो है वो समाजवादी के साथ नहीं है, तो हम लोग भी समाजवादी के साथ नहीं है। अच्छा। तो अभी जो है, जो रामपुर का अल्पसंख्यक है, खासकर मैं उसकी बात करूं, तो वो चूंकि उन्होंने इशारा दे दिया है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जो है जीशान खां, उनको सपोर्ट और वोट करना है, तो उनके लिए वोट करेंगे इंशाल्लाह। पर वो तो उनके कैंडिडेट तो है ना, इंडिया गठबंधन के, समाजवादी के कैंडिडेट हैं। देखिए, उनको तो हम नहीं जानते, मुहिबुल्ला साहब हैं, कोई मौलाना साहब हैं, ठीक है, और मौलाना साहब का काम है नमाज पढ़ाना, ठीक है। वो सियासत में आए हैं और रामपुर की पैदाइश ज़रूर है उनकी, जो हमने सुना है, लेकिन चूंकि वो रामपुर में उन्होंने वक्त नहीं दिया, रामपुर में इतने कांड हुए हैं रामपुर के अंदर, अभी सिलाईवाड़ा का कांड हुआ दलितों का, उससे पहले CAA NRC के कांड हुए, उसमें कहीं नज़र ही नहीं आए। क्या एक बार भी आजम खां से मिलने जेल गए हैं? क्या आजम खां के घर गए हैं? क्या समाजवादी के ऑफिस गए हैं? नहीं गए हैं। तो ऐसे कैसे? आपने जैसे अल्पसंख्यक की बात करी खास तौर पर, तो आप क्यों नहीं चाहते अगर कोई मौलाना अगर सदन में जाए तो क्या वो अपने समाज के, अपने समुदाय के मुद्दे नहीं उठा सकते? मौका तो दीजिए आप उनको। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ। लेकिन उनको आजम खां का जो सानिध्य है वो भी तो प्राप्त होना चाहिए। आजम खां को कहना चाहिए कि ठीक है साहब, इनको चुनाव लड़ाइए, तो हम तो आजम खां को जानते हैं यहाँ पे। अच्छा। हम कहाँ मोहिबुल्ला साहब को जानते हैं? ऐसे तो कोई भी आएगा यहाँ तो चुनाव लड़के चला जाएगा। पर वो तो ये कह रहे हैं 4-5 साल का रजामंदी और सहमति, कौन सी रजामंदी है? जो पूर्व उनके जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी के, गोयल साहब, उनकी बाइट्स देख लीजिए आप चैनल पे, मेरी बात भी हुई उनसे कई बार। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा हम तो जीशान खां को लड़ा रहे हैं, तो हम भी नहीं लड़ा रहे हैं, क्या करें? किस जगह पर देख रहे हैं जीशान खां को, क्यों आखिर ये जीशान खां को? हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर हम देखें तो दलित वोट जो है 2.5 लाख से ऊपर है रामपुर शहर के अंदर, और हम ये समझते हैं कि जब तक दलित और मुस्लिम एक साथ नहीं आएगा हम भाजपा को नहीं हरा सकते। अच्छा, उस गठजोड़ को एक साथ लाना चाहते? बिल्कुल, वो गठजोड़ जब तक एक साथ नहीं आएगा देश के अंदर, ठीक है, तब तक देश के अंदर बदलाव नहीं आएगा, और उसी बदलाव के लिए हम भी जो है, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं, तो हम भी जो है इस टाइम जीशान खां की हवा है पूरे ज़िले के अंदर। अच्छा। और इंशाल्लाह लगता है कि ये सीट जो है बहुत भारी मतों से जो है वो विजयी होंगे इस बार इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? शराफत मलिक। क्या लगता है बताइए? जी साहब, हम तो आजम खां के साथ में थे, मगर आजम खां ने जो है जीशान खां की तरफ इशारा करा है कि जीशान खां को चुनाव लड़ाओ आप, क्योंकि आजम खां के साथ में सब जायजती हुई है और आजम खान ने इस शहर को सींचा है, रामपुर को उन्होंने विकास करा है, और उनके जो जिसे चाहते थे उन्हें टिकट नहीं हुआ साहब, तो इस वजह से आजम खान को वैल्यू नहीं दी गई है समाजवादी पार्टी ने। हम तो थे आजम खान के, पड़ेगा इससे सर फर्क, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, सब फर्क ही पड़ लिया साहब। आजम खान यहाँ पे जो है आजम का रहनुमा है मुसलमानों के। अच्छा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? पूरा फर्क पड़ेगा जी सर। तो वही तो रहनुमा ही कि तो क्या कहा जा रहा है कि उन्हीं की गैर मौजूदगी में मोहिबुल्ला साहब को टिकट हुआ है। हाँ साहब, जिधर आजम खां कहेंगे हम तो उधर देंगे साहब, आजम खान ने इधर इशारा करा। अच्छा। हाँ। ये कंफर्म है इशारा करा या? हाँ। सिर्फ ऐसे ही? नहीं, कंफर्म है साहब। हाँ? कंफर्म है, पूरा पक्का। अगर उनका इशारा नहीं होता, ठीक है, तो जो उनके पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, ठीक, वो जो है नेशनल मीडिया पे आने के बाद ये नहीं कहते कि हम जीशान खां को लड़ा रहे हैं, आप बताइए। उन्होंने बोला है सर? अरे बिल्कुल आम है, सबको पता है। मेरी नज़र से हो सकता नहीं आया हो मेरे सामने। हमारे तो गांव-गांव में वीडियो चल रही है, मोबाइल के अंदर मौजूद है, बहुत बहुत वीडियोज है, आप वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने तो सीधे किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ वीरेंद्र गोयल जी के, पूर्व जिलाध्यक्ष, ठीक है। तो उनकी जो बाइट है, ठीक है, वो नेशनल मीडिया पर चल रही है और हम सब मीडिया देख रहे हैं।
आप भी जाइए, आप पता कर लीजिए, आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए, और जो समाजवादी जो आजमवादी गुट है पूरा उससे बात कर लीजिए आप, वो भी सीधा यही बात कहेंगे कि साहब हम लड़ा रहे हैं जीशान खां को, तो मुसलमान जाएगा कहाँ, अल्पसंख्यक कहाँ जाएगा, एक पैराशूट से उतारे हुए प्रत्याशी के साथ थोड़ी चला जाएगा। पर आपके साथ, क्योंकि ये भी कहा जा रहा ना कि देखिए मुस्लिम तो फिर भी चला जाता है, SC ST बोर्ड कैसे इधर आएगा। इस बार सिलाई बाड़े का कांड हुआ, आपने सुना होगा, आप मीडिया से हैं, मिलक में एक नौजवान को जो है SDM CO की मौजूदगी में गोली मार दी जाती है, तो उससे दलित जो है वो बौखलाया हुआ है। इस बार दलितों का एक भी वोट बहुजन समाज पार्टी से हटके नहीं जा रहा, वो सब एक साथ है। हमारे गाँव में भी है लोग, हम तो एक साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि मुस्लिम दलित का कोई ऐसा वो नहीं है हमारे यहाँ। कौन से गांव से हैं? मैं पटवाई से हूँ साहब, पास में है एक शाबाद तहसील में, ठीक है, और वो तो सुरक्षित सीट है अपने आप में, तो वहाँ से तो बम्पर वोट है BSP का। और इसी वजह से जो मुस्लिम है क्षेत्र का, जिले का, ठीक है, वो भी ये कह रहा है साहब जब आजम खान उनके साथ नहीं है, ठीक है, और दलित जो है एक तरफा है, तो क्यों ना इस सीट को निकाला जाए। अगर भाजपा को हराना है तो इनको तो जिताना होगा, इनको निकालना होगा, तो इसलिए सब जीशान खान के साथ। और लोगों से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र गौरव है। रमेश चंद्र गौरव जी, हाँ जी, बताइए गौरव जी, क्या माहौल है? माहौल इष्टम जीशान खान भाई साहब का बहुत बढ़िया और प्यारा बना हुआ, क्योंकि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वजह बताइए इसके पीछे? वजह भय, भूख, भ्रष्टाचार सिस्टम दुनिया में, तो मैं क्या ही कहूँगा। बहरहाल फिलहाल हमारे जिला रामपुर के अंदर बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं लोग, दिन दिहाड़े पुलिस एक दलित बच्चे की मौत कर देती है गोली मार के। अच्छा, वो मिलक वाला कांड? जी हाँ जी हाँ, ये सिलेबड़े गाँव का है, जिसमें कि हमारा जितना भी दलित समाज है सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गया, जो भी दो चार वोट कटते सब निकटेंगे, प्लस हमारे बवनपुरा बलखेड़ा साइड में जो भी खान साहब हैं उन लोगों ने ये कसम खा रखी है कि हम जो वोट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ जीशान खान जी को देंगे, बाहर हम बाहर वोट नहीं देंगे। और यही बात है कि दलित और मुस्लिम मिलने पर वो शानदार तरह से निकल के जाएगी सीट, के देखने वाले देखते रहेंगे, बम्पर वोटों से जीतता सीट। ये कहा जा रहा है BJP को जिताने के लिए डमी कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, वोट कटवाने के लिए कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, बताइए आप। मान्यवर जो पार्टी नेशनल पार्टी से टिकट लेके आया, क्या वो डमी कैंडिडेट होगा? पहले आप स्वयं सोचिए। और दमदार हमारे कैंडिडेट है और बहुत ही सज्जन शख्सियत है, और ऐसी बात भी नहीं है, धनवान चीज़ है, कहीं किसी भी तरह की कोई लूज पर नहीं है, हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है, और जिसका हम लोगों को आने वाले समय में फायदा भी मिलेगा। क्यों? क्या आपने देखा होगा, पहले भी आप तो प्रेस रिपोर्टर हैं, कहीं पे हमारे बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, कहीं कत्लेआम हो रहा है, कहीं अपहरण हो रहे हैं, तो भय, भूख, भ्रष्टाचार से ये तो योगी जी भी कर रहे हैं। देखो ना, उन्होंने खुद कहा है, देखो किस तरीके से गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी सोच जो यह है कि बेटियों को पकड़ो और लेके भाग जाओ, इनका काम यही है। ये BJP वाले गुंडे और माफिया खुलेआम ऑन रोड घरों में से खींच खींच कर बच्चों को लेकर जा रहे हैं,